मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत गॉस्पल चैनल यूएई से। बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है ये खुदा के मुंह की आवाज है। जब हम इसको सुनते हैं और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसके वसीला से बरकत पाते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इस नबुवत की किताब को पढ़ने वाले, इस नबुवत की किताब को सुनने वाले और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल पैरा होने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो मेरे जीजो, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, क्या मजदूर की मजदूरी ना अदा करना गुनाह है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। सो मेरे जीजो, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरख्वास्त है कि प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बाइबल की बातें प्रोग्राम खुद देखें, सुने और फिर इस वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। सो मेरे अजीजों, आज के इस जदीद मुआशरे पर जब हम गौर करते हैं तो बहुत से लोगों के साथ जुल्म भी हो रहा है, सितम भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादतियां भी हो रही हैं, बहुत सारे लोग को उनकी मजदूरी जो है वो वक्त पर अदा नहीं की जाती। मगर मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस इसके तल्लक से हमारी रहबरी और रहनुमाई कर दिया है। किसी ने मुझे सवाल किया था तो मैंने मुनासिब समझा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसका जवाब दिया जाए। मेरे अजीजों, लफ्ज मजदूरी जो है बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में, जिसको अहदे अतीक कहा जाता है, उसमें इसका जिक्र हमें 13 मरतबा मिलता है। और जब हम लफ्ज मजदूरी का मुतालिया बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होकर करते हैं, जिसको हम फजल का दौर कहते हैं, जिसको हम नए अहदनामा के नाम से भी पुकारते हैं, उसमें इसका जिक्र जो है वो हमें 13 मरतबा मिलता है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर टोटल इस लफ्ज का जिक्र जो है वो 24 मरतबा मिलता है। और इब्रानी जबान में इसका जो मतलब और मीनिंग है वो है मेहनत की उजरत, मेहनत की उजरत। सो मेरे जीजो, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिया से कौम बनी इसराइल को जब अकामाते अशरा दिए तो उसमें एक हुक्म, एक ला ये भी था। मेरे साथ मिलकर इस्तिश्ना की किताब और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक 14 और 15 की मिलकर तलावत करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तू अपने गरीब और महताज खादम पर जुल्म ना करना, ख्वा वो तेरे भाइयों में से हो, ख्वा वो उन परदेशियों में से हो जो तेरे मुल्क के अंदर तेरी बस्तियों में रहते हों। तुम उसी दिन, इससे पहले के आफताब गरूब हो, उसकी मजदूरी उसे देना, क्योंकि वो गरीब है और उसका दिल मजदूरी में लगा रहता है, ताना हो कि वो खुदावंद खुदा से तेरे खिलाफ फरियाद करे और ये तेरे हक में गना ठहरे। सुबह जीजो, इस आयत मुबारका की रोशनी में हमें ये बात साबित होती है कि अगर हम किसी मजदूर की उजरत, किसी मजदूर की मजदूरी वक्त पर अदा नहीं करते तो यह भी हमारे लिए एक गुनाह है। बाइबल बयान करती है कि मजदूर की मजदूरी सूरज के गरूब होने तक आपने उसको अदा करनी है, क्योंकि यह उसने मेहनत की है। और हमने किसी के साथ ज्यादती, किसी के साथ जुल्म और सितम नहीं करना। इसी तरह मेरे अजीजों, इस आयत मुबारका की रोशनी में अगर किसी मजदूर की मजदूरी ना अदा की जाए तो यह एक बहुत कबीरा गुनाह है। यह गुनाह के जुमरे में आता है।
खुदा खुदा का हुक्म है कि तू मजदूर की मजदूरी तेरे पास एक रात भी नहीं रहनी चाहिए। अभार की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारक 13 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना, तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना करना, ना उसे लूटना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सुबह तक रहने ना पाए। सो मेरे जीजो, बाइबल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि इस मुआशरे में हमने कैसे लाइफ गुजारनी है, इस मुआशरे में हमने कैसे एक दूसरे के साथ रहन सहन करना है। और अगर आप दौलतमंद हैं, आप अमीर तरीन लोग हैं, तो आपके पास जितने भी मजदूर हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, बाइबल बयान करती है कि उनकी मजदूरी सूरज के गरूब होने तक आपने उनको अदा करनी है। उनकी मजदूरी रात सारी आपके पास नहीं रहनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यह भी एक गुनाह है। इसी तरह मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को कि मजदूर की मजदूरी उसके काम के मेहनत का अजर है, रिवार्ड है, ये उसकी उजरत है, ये उसका हक है, राइट्स है उसका। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस पलूस रसूल जो हैं वो रोमन की कलीसिया को खत लिखते हुए उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 4 में कुछ यूं फरमाते हैं, काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं, काम करने वाले की मजदूरी जो है वो बख्शिश नहीं है, वो कोई गिफ्ट आप नहीं उसको दे रहे, उसके ऊपर आप आसान मंदी नहीं कर रहे। बल्कि बाइबल बयान करती है कि काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, ये उसका हक है, ये उसके राइट्स हैं, क्योंकि उसने दिन भर मेहनत की है और उस मेहनत की उजरत आपको अदा करना सूरज ग्रूब होने से पहले आप पर वाजिब है। मेरे असीजो, अगर मजदूर की मजदूरी अदा ना की जाए तो खुदावंद खुदा के कान तक ये बात पहुंच जाती है, क्योंकि खुदा तो हर चीज को देखता है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक तलावत करें, मुकद्दस यकूब रसूल का आम खत है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 4, जब वक्त हो तो आप ये 5 बाब की पहली आयत से 5 आयत तक बाद में पढ़ सकते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे और उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है, आवाजें देती हैं खुदा के हजूर, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल फाज के कानों तक पहुंच गई है। सो मेरे अज़ीज़ो, इससे पहले अगर आप बाइबल मुकद्दस की तालीमात से रोशनास नहीं हैं, तो मैं आज बाइबल मुकद्दस की बातों में आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। मेरे अज़ीज़ो, आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि अगर आपने किसी मजदूर की अभी तक उजरत अदा नहीं की तो उसको फौरन अदा कर दीजिए और खुदावंद खुदा से माफी मांगे और तौबा करें और अपना यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें, पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और किसी के साथ ज्यादती, किसी के साथ जुल्म और सितम करना बंद कर दें, ताकि आप खुदावंद खुदा के हजूर मकबूल ठहर सकें। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।